हम बनाएंगे आम पापड़। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आम पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रस वाले आम लिए हैं। रस वाले आम से अगर आप आम पापड़ बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे आम पापड़ बनेंगे। जितने हम यहाँ पे आम लेंगे, एक आम के लिए हम एक चम्मच चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आम खट्टे हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। तो इसका रस निकाल दिया है, तो अब हम इस रस में ये चीनी डाल देंगे और इसे हम एक ब्लेंडिंग जार ले लेंगे और उस ब्लेंडिंग जार में डाल के हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। आप इसमें शक्कर डाल के पीस के टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको खट्टा लग रहा है तो आप इसमें चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसे हमने पीस लिया है, अब हम इसे छान लेंगे। इसे हम एक बार छन्नी से अच्छे से छान के ले लेंगे। इसे छान के ले लिया है। आम को आप पीसने के बाद अगर आपको लगे कि उसमें आम के टुकड़े नहीं है तो आप डायरेक्ट भी आम पापड़ बना सकते हैं। मुझे थोड़ा डाउट था इसलिए मैंने इसे छान के ले लिया है। तो अब हम दो तरीके से बनाएंगे। पैन ले लिया है तो मैं इसमें ये आधा डाल दूंगी। इसे हम डायरेक्ट ही ना पकाए और इसे हम पका के बनाएंगे। पैन को मैंने गैस पे रख दिया है और गैस की आंच मैंने यहाँ पे लो मीडियम रखी है। इस तरह से इसमें चम्मच चलाते हुए इसे हम पका लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम इस तरह से पकाएंगे। तो इसे हमें गैस पे लो फ्लेम पे पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पतला हो गया है। तो अब हम गैस की आंच बंद कर देंगे और इसे हम नीचे उतार देंगे। यहाँ पे दो थाली ले ली है और थाली को मैंने घी से ग्रीस कर दिया है। जो पकाया हुआ है डाल देंगे। मोटा पतला आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको पतला चाहिए तो कम डालिए और मोटा चाहिए तो थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, वरना आप थाली की छोटी साइज ले लीजिए। अब हम ये इसे हमने पकाया नहीं है, इस तरह से थाली को चारों दिशा में घुमा देंगे ताकि ये इवेनली स्प्रेड हो जाए। इस तरह से घुमाते हुए इवेनली स्प्रेड कर देंगे, हाथ से नहीं करना है हमें। आपको थोड़ा सा कलर डिफरेंट दिख रहा होगा क्योंकि ये पकाया हुआ है और ये बिना पकाया हुआ है। इन थालियों को हम दो दिन के लिए धूप में सूखने के लिए रख देंगे। अभी गर्मियों का मौसम है, धूप भी बहुत कड़ी है, एक से दो दिन में सूख जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं, दूसरे दिन अगर सूखे हैं तो आप इसे निकाल सकते हैं। तो इसे मैंने दो दिन के लिए धूप में सुखा दिया था। अभी गर्मियां हैं तो धूप बहुत ही ज्यादा है तो ये सूख चुका है। तो इसे हम थोड़ा चाकू से इसके कॉर्नर्स को अलग कर देंगे। आसान से निकल रहा है आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने थाली को जो है घी से ग्रीस किया था। बहुत ही अच्छा हमारा आम पापड़ बन चुका है और अब हम इसे भी निकाल देंगे। ये भी बहुत ही आसान से निकल रहा है। ये देखिए, दो दिन में बहुत ही अच्छे सूख के हमारे आम पापड़ जो है तैयार हो चुके हैं। इसे हमने ऐसे ही रखा था और इसे हमने पका के बनाया था। तो आपको जिस टाइप से पसंद है उस टाइप से आप जो है बना सकते हैं। पका हुआ आपको फर्क दिख रहा होगा, ये हमने इसे ऐसे ही बनाया था। तो ये इसका कलर आप देख सकते हैं और ये जो हमने पका के बनाया था तो ये ट्रांसपेरेंट, इसके नीचे से मेरी उंगलियां आपको दिख रही होगी। अपने हिसाब से छोटे मोटे जिस टाइप से काटने हैं उस टाइप से हम काट के ले लेंगे। तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आपको जिस टाइप से पसंद है उस टाइप से आप जो है बना सकते हैं। ये हमारे आम पापड़ बनके तैयार हो चुके हैं। ये बॉईल किए हुए आम पापड़ है और ये डायरेक्ट ही हमने बनाए वो हैं। ये हमारे टेस्टी टेस्टी लाजवाब दो टाइप से आम के पापड़ बनके तैयार हो चुके हैं। इसे आप बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं एयरटाइट डब्बे में डाल के।